जय हिंद साथियों, आज हम लोग कक्षा 9 NCERT मैथ के अंतर्गत दूसरे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कई तरह के टर्म का अध्ययन करेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला जो टर्म रहेगा इसका, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तीसरा जो रहेगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत घाते हैं, बहुत घाते हैं, एक से अधिक घाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कुछ भी हो सकती है। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो ही घाते होंगे या तीन ही घाते होंगे, मतलब एक से अधिक घाते जो है हो सकती हैं। इसी प्रकार से चर की बात करें हम लोग, चर की अगर बात करें हम लोग इसमें, चर तो चर जो हो सकता है, एक चर, दो चर, तीन चर। आप लोगों ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये क्या है सब, ये चर राशि है। एक्स वाई जेड ये चर राशि हैं। तो अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण यदि केवल एक्स में, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये एक ही चर में एक्स में है, तो इस तरह से हम बोलेंगे एक चर। अगर कोई भी समीकरण दो चर में है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0, तो इसको बोलेंगे हम लोग दो चर। कोई समीकरण, कोई भी इक्वेशन तीन चर में इस तरह से हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो वो एक्स बाई जेड, इस तरह से एक चर, दो चर, तीन चर, तो इस तरह से ही हो सकता है। अच्छा, कोई भी समीकरण जो बहुपद है या नहीं है, उसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग? इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है कि जो घात होनी चाहिए, जो घात होनी चाहिए चर राशि पर, जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। जैसे होल नंबर्स होना चाहिए घात, एक्स की घात 2, एक्स घात 2, इसका मतलब ये जो बहुपद है वो एक चर का है, एक चर का है और द्विघाती है, एक चर द्विघाती है, एक चर द्विघाती है, इसको बोलेंगे एक चर द्विघाती है, इस तरह से एक चर, क्योंकि एक ही चर है एक्स और द्विघाती दो घात है, इसको बोलेंगे हम लोग एक चर त्रिघाती है, एक चर त्रिघाती है। अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स घात 2 प्लस 5 y, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्विघात, द्विघात, क्योंकि सबसे बड़ी पावर देखी जाती है, हमेशा सबसे बड़ी पावर देखी जाती है द्विघात और दो चरिए, द्विघात और द्विचरीय, द्विचरीय, इस तरह से द्विघात और द्विचरीय, इस तरह से हो सकता है द्विचरीय। अच्छा, दो घात भी हो गई, द्विचरी की बात भी हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पद द्विपद, बात कर लेते हैं एक पद, एक पद, एक पद क्या होता है। जैसे केवल अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से अगर कोई टर्म लिखा हुआ है 5x, तो केवल एक पद लिखा हुआ है, ये एक पद यहाँ पर लिखा हुआ है 6x+5, तो ये हो गया द्विपद, ये हो गया द्विपद, इस तरह से। अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है 6x+5y+7, तो ये हो गया तीन पदीय, तीन पदीय, देखो 1, 2, 3, तो ये हो गया त्रिपदीय। तो इस तरह से बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो हमने इसमें समझा, सबसे पहले एक घात के रूप में, एक घात के रूप में हम समझ गए कि एक घात कैसे पहचानेंगे। जब किसी भी चर राशि की कोई घात नहीं होती है तो उसकी एक घात मानी जाती है, किसी भी चर राशि की जब कोई घात नहीं होती है तो उसकी एक घात मानी जाती है। और बाकी यदि एक्स के अलावा यदि कोई भी घात दे रखी है तो हम उसको आराम से पहचान सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कोई भी घात जो है हो सकती है। और अगर ये तो घात की बात हो गई,
पद की बात अगर केवल एक ही पद दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि जो है ये एक पद दिया हुआ है, कि एक पद हो गया, द्विपद हो गया, तीन मतलब पद दे रखे हैं तो हम समझ जाएंगे ये तीन पद हो गए, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। हाँ, बहुपद के लिए ये जरूरी बहुत है कि किसी भी बहुपद को पहचानने के लिए उसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। किसी भी बहुपद को पहचानने के लिए उसकी जो घात है, घात जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर के रूप में होना चाहिए। अगर किसी भी बहुपद की जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में है तो हम कह देंगे ये बहुपद है। अब एक चर दो चर की अगर बात करेंगे हम लोग, एक चर मतलब वेरिएबल्स, चर मतलब वेरिएबल्स, अगर एक चर में है तो केवल एक्स के ही टर्म उसमें होना चाहिए, द्व्यू चर में है तो दो होना चाहिए, जैसे एक्स और वाई हो गया तो द्व्यू चर का हो जाएगा, और अगर तीन चर में है, थ्री वेरिएबल्स है, तो हम समझ जाएंगे कि एक्स बाई जेड का होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये पहचानने का तरीका ये हो गया और इसका सार ये हो गया। अच्छा, इसकी अगर हम लोग बात करें थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग, किस तरह से ये पॉलीनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, एक घात, द्वि घात, तीन घात और चार घात के बाद, इस तरह से बन सकता है इसका। देखो आप, ए वन एक्स घात एक, ए टू एक्स घात दो, ए थ्री एक्स घात तीन, ए फोर एक्स घात फोर, इस तरह से ये डॉट डॉट चलता चला जाएगा और ये लास्ट में हो जाएगा ए एन एक्स घात एन। मतलब कुछ भी घात इसकी जो है हो सकती है, कुछ भी घात इसकी हो सकती है, और एक से लेकर और ये एन तक इसकी घात हो सकती है। तो मैंने बता दिया, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद की घात अगर जीरो है तो उसका मान एक होगा। तो चर राशि समझ गए हम लोग। अचर राशि क्या होती है? जैसे कोई भी इक्वेशन है, कोई भी समीकरण है जो इस तरह से लिखी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसमें अगर चर राशियों की बात करें, दो चर राशियां हैं, एक ये चर राशि है और एक ये चर है। तो चर राशि कितनी है? चर राशि की बात करें हम लोग तो एक्स और वाई है, और अचर राशि की बात करें तो, अचर राशि की बात करें हम लोग तो ये है ए और बी और ये सी, इस तरह से अचर राशि की बात करें हम लोग तो ए बी सी। तो चर राशि पता लग गया, अचर राशि पता लग गया। ए बी सी इनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, हम लोग कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर था इसका सार था। अब शुरू करते हैं हम लोग इसकी प्रश्नावली। चलो देखते हैं प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है। प्रश्नावली की, प्रश्नावली में कह रहा है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से एक चर राशि हैं, कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से एक चर राशि वाले हैं, विच आर नॉट और कौन कौन से नहीं हैं, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब उत्तर के साथ उसका कारण भी दीजिए। तो कौन कौन से एक चरीय बहुपद हैं उनको हमें बताना है, एक चरीय बहुपद कौन कौन से हैं उनको बताना है हमें, और एक वेरिएबल में होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब तो समझ गए, एक चर राशि, मतलब अगर एक्स में है तो एक वेरिएबल हो गया, वाई है, एक्स वाई दोनों है तो दो वेरिएबल हो गया, एक्स वाई जेड है तो तीन वेरिएबल हो गए। तो इस तरह से हमें बताना है कि आखिरकार एक चर में है, द्व्यू चर में है या फिर तीन चर में है, और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि घात जो होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको बता पाएंगे। अगर घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो आप समझ लो कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, बहुपद नहीं है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका, ये चार एक्स स्क्वायर, चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स, चार एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का सात, इसको बताना है कि वास्तव में ये एक चरिए है, एक चरिए है या नहीं है, एक चरिए। तो निश्चित रूप से एक चरिए है, क्योंकि इसमें एक्स एक्स ही दिखाई दे रहा है, इसलिए एक चरिए हो गया। तो ये एक चरिए हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें पूछा था कि बहुपद है या नहीं है। अब बहुपद के लिए हम समझ गए घात जो होनी चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो घात कैसी है? पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये जो है घात पूर्ण संख्या के रूप में बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे फाइनली?
इसको क्या बोल सकते हैं फाइनली हम लोग, क्या बोलेंगे? एक चरिए बहुपद है, ये कैसा है? एक चरिए बहुपद है, आप लिख सकते हो एक चरिए बहुपद, बहुपद है, एक चरिए बहुपद है, आप देख सकते हो एक चरिए बहुपद है। और अगर घात की अगर बात करें इसकी, तो घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी दो, क्योंकि मैक्सिमम घात ही देखी जाती है दो घात। ये देखो फर्स्ट टर्म पर दो घात है, नहीं तो इस तरह से ये जो है दो घात है, इसी घात नहीं देखी जाती, फिलहाल पहले टर्म को ही देखा जाता है। तो दो घात हो गई, घात दो हो गई, एक चरिए बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें एक्स ही वेरिएबल्स हमें दिखाई दे रहा है और कोई वेरिएबल्स दिखाई नहीं दे रहा है, और कोई चर राशि हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह से अगर इसमें पद की बात करें तो ये तीन पद हो गए, इसमें पद की अगर बात करें तो कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। चलो दूसरा एग्जाम्पल इसका, दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है, 22² + √2, इस तरह से। तो वही बात आपको बताना है, ये जो है एक चर राशि है, दो चर राशि है, तो कितने चर राशि है? एक चर राशि है, एक चर राशि। अब यहाँ पर एक्स नहीं दिया तो क्या दे दिया इसने? बाई, एक चर राशि। और बात करें हम लोग, और क्या पूछ रहा था? एक चर राशि बहुपद, एक चर राशि बहुपद है, एक चर राशि बहुपद है। और पद की अगर बात करें तो दो पद ही है, पद की अगर बात करें तो क्या है? ये द्विपद है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, आप सोचो इसकी घात जो है अंडररूट में हो गई, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। घात इसकी देखी जाती है हमें केवल चर राशि की, चर राशि की अगर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो हम कह देंगे ये जो है आपका बहुपद हो जाएगा। तीसरा इसका पार्ट, तीसरा पार्ट ये है इसका 3√t √2, इस तरह से ये चेक करते हैं बहुपद है या नहीं है। बहुपद के लिए पूर्ण घात होना बहुत जरूरी है। अब अंडर रूट जो है, अंडर रूट की वजह से कितनी वैल्यू हो गई इसकी? अंडर रूट जो होता है उसका अपना मान 1/2 होता है, इस तरह से। अगर कुछ भी लिखा हुआ है इसमें नहीं है तो उसका मान 1/2, अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका मान मतलब 1/3, जैसे 3 लिखा हुआ है तो 1/3, अगर इसमें 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/4, इस तरह से ये वैल्यू जो है होती है। अब इसको अगर सही तरह से देखें हम लोग तो ये हो जाएगा 1/2, और प्लस ये तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप सही तरह से लिख लो √2, इस तरह से। अब मैंने क्या बताया, बहुपद को चेक करने के लिए घात जो होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तो इसमें एक पद ही तो है केवल टी, मतलब हम समझ गए कि मतलब एक पद ही है, टी के अलावा और कुछ नहीं है। तो एक पद ही तो है, एक पद ही तो है, मतलब वन वेरिएबल्स तो है, एक पद ही मतलब वन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स तो है, लेकिन बहुपद नहीं, बहुपद, बहुपद नहीं है। कारण इसका क्या है? कारण क्या है इसका? कारण यह है क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि द वेरिएबल्स जो पावर है उसकी वो होल नंबर नहीं है। कारण इसका क्या बना? क्योंकि क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका जो है स्टेटमेंट देना था, रीजन देना था, किस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं हम लोग, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना? क्यों बहुपद नहीं है, इसका कारण भी लिख दिया हमने आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 4 नंबर इसका, बाई प्लस टू अपन बाई, ये है। इसमें ध्यान से अगर इसको देखें हम लोग तो क्या स्थिति बनेगी? बाई जो ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि किसी की पावर जब दिखती नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होती है, तो एक पावर मानी जाती है। तो ये जो इस तरह से हो जाएगा बाई प्लस टू, और ये बाई की पावर एक है, और ये ऊपर पहुंचेगा तो बाई की पावर -1। अब वही बात कि किसी भी बहुपद की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या क्या होती है जिसको होल नंबर बोलते हैं हम लोग, होल नंबर जिनको बोलते हैं हम लोग, क्या क्या होती है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से पूर्ण संख्या जो है अपने आप में पूर्ण ही होती है, माइनस की नहीं हो सकती, आधे नहीं हो सकती, तिहाई, चौथाई, ये कुछ नहीं हो सकती। इस तरह की अगर घात आपको दिखाई दे रही है तो आप बोल सकते हो कि ये बहुपद माना जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह की घात हैं तो बहुपद आप बोल सकते हो, बहुपद है, अन्यथा नहीं है। इसकी घात तो माइनस एक हो गई, इसका मतलब बहुपद बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और एक चरिए, दो चरिए, ये कितने चरिए? ये एक चरिए, एक चरिए, एक चरिए है ये, लेकिन बहुपद नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, पहचान, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5, इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कठिन है इस क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, और इनको हम लोग कर रहे हैं। पांचवा पार्ट ये है इसका, एक्स घट 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50, इस तरह से। अब इसको देखते ही पहचान जाना चाहिए आपको, ये एक चरिए है या द्विचरिए, तीन चरिए है, कितने चरिए है ये? सबसे पहली बात, बहुपद है या नहीं है? बहुपद तो है, क्यों? घात कैसी है? पूर्ण संख्या है, तो आप बोल दोगे बहुपद है, बहुपद है। कितने चरिए है ये? वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स या थ्री वेरिएबल्स? ये वन वेरिएबल्स है, मतलब एक, सॉरी, ये तीन चरिए है। कितने चरिए? तीन चरिए है, तो इस तरह से हम पहचानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट लिखिए, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट लिखिए। राइट द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोविंग, मतलब ये कि एक्स जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन पार्ट दे रखे हैं उनमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट बताना है, ठीक है। तो किस तरह से बताएंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट? पहला इसमें ये है, कॉफिशेंट बताना है आपको। कॉफिशेंट को हिंदी में बोलते गुणांक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉफिशेंट, ये लिखा हुआ है आपका कोफिशेंट, इसको बोलते हैं गुणांक। गुणांक गुणांक किसका बताना है हम लोगों को? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है प्रत्येक प्रत्येक पार्ट में, एक्स स्क्वायर गुणांक बताना है। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग गुणांक बताने से पहले सबसे पहले इसको अरेंजमेंट में लिखेंगे, क्रम से, सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, उसके बाद ये वाली घात। अब हमसे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है। अब एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या माना जाएगा? अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या माना जाएगा? एक। कुछ भी अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक माना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो गया वो कितना हो गया? एक। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो एक, और अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो हम बता ही देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का एक, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का एक। और ये एक्स स्क्वायर नहीं होता
और एक्स स्क्वायर का ही पूछा है तो एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाता है 0, ठीक है ना। जैसे कोई टर्म इस तरह से दिया हुआ होता है एक्स प्लस 5, आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर तो उसमें है ही नहीं, तो आप गुणांक बताओगे, कॉफिशियंट बताओगे 0, ठीक है इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट है इसका दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इसका दो, किस तरह से गुणांक की बात चल रही है इस समय, और 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा माइनस का 1। मैंने बताया ना क्या है ये, अगर कुछ नहीं है तो 1, और अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1, किस तरह से। तीसरा पार्ट इसका पाई अपन टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है गुणांक में एक्स स्क्वायर के, ये हो जाएगा पाई अपन टू। अब आप समझ गए होगे, इसका एक पार्ट रह गया अभी, मतलब अच्छा ये रह गया दूसरा पार्ट। चलो दूसरा देखिए, तीसरा हो गया, दूसरा देख लेते हैं पुनः। हाँ दूसरा हो गया, सॉरी दूसरा हो गया, चौथा पार्ट इसका, चौथा पार्ट ये है अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मैंने बताया जिसका पूछा जा रहा है वही नहीं है, तो उसका गुणांक कितना माना जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 0 इस तरह से। तो ये समझ गए होगे इसको भी आप लोग। चलो नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन साथियों, गिव द एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। बाइनोमियल एंड मोनोमियल इसका मतलब क्या है, मतलब बाइनोमियल मतलब यहाँ से द्विपद वाला, और मोनोमियल मतलब एक पद वाला। तो यहाँ से एक पद का एग्जाम्पल देना है आपको 100 डिग्री, डिग्री मतलब घात, डिग्री मतलब होता है घात, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो ये बाइनोमियल, बाइनोमियल की अगर बात करें हम लोग, बाइनोमियल को बोलते हैं हम लोग द्विपद, द्विपद द्विपद, और मोनोमियल मतलब एक पद इस तरह। तो द्विपद जो चाह रहा है वो चाह रहा है डिग्री, डिग्री चाह रहा है आपसे, डिग्री क्या होता है आपका, डिग्री जो होती है आपकी घात। तो जो द्विपद की जो घात चाह रहा है आप लोगों से, द्विपद की जो घात चाह रहा है वो चाह रहा है कितने डिग्री, चाह रहा है 35। तो द्विपद बनाना हम लोग बहुत आसानी जानते हैं, द्विपद बनाना बहुत आसान है, इस तरह से लिखेंगे आप, देखो घात 35 चाहिए तो एक्स घात 35 लिख दो आप लोग, एक्स बाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। अब द्विपद चाह रहा है एक्स घात 35 प्लस 6 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ये कैसा हो गया द्विपद का हो गया, पद मतलब दो पद, दो पद हो गए। तो ये तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा चाह रहा था एक पद ये होना चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए 100, एक पद ये होना चाहिए घात 100 होना चाहिए, तो इसके लिए इसका दूसरा जो हो जाएगा हमने इस तरह से लिख दिया बाई की पावर 100, लो एक पद का हो गया। आप इसका कॉफिशेंट भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 कॉफिशेंट लगा सकते हो, इसका भी कॉफिशेंट लगा दे सकते हो 2 3 4 5, तो इस तरह से ये दोनों आपके जो है बन जाएंगे। नेक्स्ट इसका चार नंबर, चार नंबर ये क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब डिग्री बताना है। डिग्री का मैंने अभी मतलब बताया था आपको घात, डिग्री मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, घात को बोलते हैं,
घात बताना है, तो जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनकी घात बतानी। जैसे पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल 5x घात 3, 5x घात 3 प्लस 4x² प्लस के 7x, तो इनकी क्या बतानी है हम लोगों को? डिग्री बतानी है, घात बतानी है। तो डिग्री घात बताना बहुत आसान है। मैंने बताया मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, तो कितनी घात इसकी, घात कितनी है 3। अगर पूछता कि एक चाहिए दो चाहिए, तो एक चाहिए, कितने पदीय है, तो कितने पदीय, 1 2 3। तो पद भी समझ गए, डिग्री भी समझ गए हम लोग किस तरह से, और घात भी समझ गए। दूसरा, दूसरा इसका 4 - 2² तो घात बताना बहुत आसान है। तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, 2 घात हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम पावर कितनी है। घात हमेशा चर राशियों की देखी जाती है, ये देखना है हम लोग, ठीक है। तीसरा, तीसरा जो है 5t - √7 इस तरह से। अब ये है तो एक चरिए, अब इसे घात बताना है हम लोगों को, ये बताना नहीं है बहुपद है नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन घात बताना है। तो पहले घात सही तरह से लिख देते हैं हम लोग, इस टी जो है इसको आप t^(1/2) लिख देते हैं। अब वही बात कि घात क्या बताएं, ये आधी है और ये एक है, तो मैंने बताया अधिकतम पावर बताते हैं हम लोग, तो अधिकतम पावर कितनी है इसमें, 1, तो घात कितनी हो गई इसकी, 1, इस तरह से घात कितनी हो गई, 1 इसकी घात जो है हो चुकी है। नेक्स्ट है इसका, ये कौन सा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट इसका, 1 मिनट, 5t - यहाँ से, सॉरी ये जो है, ये जो है सॉरी, यहाँ से 7 था, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये √7 था, फिर तो कोई मतलब ही नहीं इससे, ये गलत लग गया था असल में, तो घात इसकी 1 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं फिलहाल। तो इसमें चौथा, इसका चौथा, इसका ये 3। अब सीधी सी बात है, 3 जो दिया हुआ है, अब इसमें कोई चर राशि तो दिखाई नहीं दे रही, तो चर राशि अगर किसी में नहीं होती है और बनाना हम लोगों को होता है, तो किस तरह से बनाते हैं हम लोग, कोई भी कोएफिशिएंट लिख देते हैं, जैसे x^0 ले सकते हैं ना, तो x^0 लिख दिया। अब किसी की पावर 0 हो, अगर होती है वैल्यू, किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो ऐसे इसका मान 1 हो जाएगा और 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 के 3 ही रहेंगे, और हमें चाहिए घात, तो घात अब कितनी दिखाई देने लगी हम लोगों को, घात दिखाई देने लगी हम लोगों को, डिग्री दिखाई देने लगी 0। तो कोई भी अगर चर राशि नहीं है तो उसकी घात 0 मानी जाएगी इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, 5 नंबर में आपसे पूछ रहा था, क्लासीफाई द फॉलोविंग, क्लासीफाई द फॉलोविंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब इसको बताना है हमें कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक है। मतलब एक घात ये है, या फिर आपका यहाँ से लीनियर एक चरिए है, एक मिनट देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं इसको, सॉरी एक घाती है, ये द्विघाती है, ये तीर घाती है, ठीक है ना, एक घाती है, द्विघाती है, ये तीर घाती है। तो इसको बताना बहुत आसान है, एक घात, द्विघात, या तीर घात है ये, तो देखो किस तरह से, जिसकी घात 1 होती है उसको लीनियर बोला जाता है, ठीक है ना, जिसकी घात 1 इसको लीनियर बोला जाता है, देखो किस तरह से। 5 नंबर इसका, x² + x, इस तरह से x² + x है ये, तो इसमें जो है, तो चलो बताते हैं हम लोग, जैसे पहला पार्ट इसका ये दिया हुआ है x² + x, तो ये कैसा है आपका, द्विघाती है, कैसा है आपका, द्विघाती है, ये द्विघाती, द्विघाती को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इस तरह से। दूसरा इसका x - x³, दूसरा इसका x - x³, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, मतलब त्रिघाती है, त्रिघाती क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक इस तरह से।
नेक्स्ट है आपका थर्ड, थर्ड नंबर इसका, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस फोर, ये है बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस फोर। तो इसमें आपसे पूछ रहा था कि ये कैसा है, तो चलो चेक कर लेते हैं ये कैसा है। अरे द्विघाती है नहीं, द्विघाती को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। तो द्विघाती मैंने बताया सबसे अधिकतम पावर देखते हैं हम लोग, अधिकतम पावर कितनी है, द्विघाती, द्विघाती होगी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्वाड्रेटिक। चौथा पार्ट इसका, चौथा पार्ट है इसको वन प्लस एक्स। अब इसमें द्विघात तो है नहीं, त्रिघात तो है नहीं, एक घाती, तो एक घाती को बोलेंगे हम एक घाती है, हिंदी में एक घाती है और इंग्लिश में मोनोमियल्स। तो ये एक घाती हो गया, एक घाती, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल्स, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका लीनियर, सॉरी एक घाती मतलब लीनियर, लीनियर मतलब बोल सकते हैं हम लोग लीनियर, लीनियर बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका थ्री टी, थ्री टी ये भी कैसा है, लीनियर मतलब एक घाती, तो ये भी लीनियर हो गया इस तरह से, लीनियर। और नेक्स्ट है आपका आर स्क्वायर, इसका जो है छठा पार्ट है आर स्क्वायर, तो इसकी कितनी घात है, दो। जब दो घात है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक। इसको क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, द्विघाती हो गया। लास्ट पार्ट है इसका सेवन नंबर, सेवन एक्स क्यू, तो ये कैसा हो गया, त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती को क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। कल दूसरी प्रश्नावली को लेकर फिर वीडियो आपकी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।